अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ बिरयानी। और अभी मैं बनाती हूँ पहले चाय, क्योंकि हमें चाय भी नहीं है। केक के साथ चाय खाएंगे और चाइनीज़ बिरयानी का जल्दी से सामान बनाएंगे। पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पर ना लिंक देख के ना फिर बनाऊँ। तो अभी मगरिब की अजान हो रही है, पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर सना को बोलती हूँ वो ये रेसिपी देखे और फिर हम शुरू करते हैं बनाना बिरयानी। तो गाइस, ये गैस आ गया, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और ये गैस की भी कहानी बताऊँगी। अभी हमने ना गैस लगवा लिया, सिलेंडर को भी ख़त्म कर दिया और ये दूध पड़ा है। अभी इसकी चाय बनानी है, क्योंकि हम मैंने दोपहर को सो गए थे, जब उठे तो गैस ही नहीं था। तो अभी गैस आए थे, चाय बना लेते। तो मैंने कहा गाइस पहले ना चाय बना लेते, फिर बिरयानी का ना सारा सामान रेडी वगैरह करेंगे। तो अभी चाय बना लेते हैं। हम तीनों ने नहीं पी, मम्मा ने पी लिया। चीनी की बन्नी का है। तो ये रही हमारी चीनी, इलायची भी नहीं है अपने पास, ये पत्ती कैसे रखी हुई है, पत्तियाँ चीनी है। तो गाइस चाय रेडी हो जाए, फिर दिखाती हूँ। गाइस ये देखें कि एक और चाय, और ना मैंने क्या किया, मैंने भी चीनी डाल दी, सना ने भी। अब ये यक चीनी वाली चाय बन गई। और हमने ये चीज़ें मंगाई हैं गाइस, मलाइका को ये पसंद है तो ये मंगवाया है, और ये सारी चीज़ें मंगाई हैं। अभी हम चाइनीज़ बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ चाइनीज़ बनाऊँ या अपनी तरफ से बनाऊँ। देखूँ रेसिपी दिख रही है ना, उसमें गाजर और ना वो है बंद गोभी है, और वो मैं हमारे पास है नहीं, तो हम अपनी तरफ से कुछ ट्राई करते हैं बनाने का। तो अभी चलते हैं सामान वगैरह कट करते हैं। प्याज वगैरह मैं छील कर आपको देती हूँ, ठीक है? आप क्या करें ना, मटर मुझे छील दे। तो मैं चारपाई पे आके बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए, और ये मैं पानी पी रही हूँ। गाइस मैं पानी बहुत पीती हूँ। हाँ, आलू भी दो तीन डालना। तो गाइस मैं पानी ना बहुत ज़्यादा पीती हूँ ना, तो आपको भी पानी पीना चाहिए। तो अब मैं ये मटर काट लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये मटर दोनों छील दिए, और मैंने कचरा है और इतने सारे मटर हैं, इतने से मटर इतना। ये देख लें, ये ऐसी बातें करती है। ये देख लें ऑयल के अंदर अभी ये प्याज काट के डाल रही हूँ। मम्मा ने सारा कचरा वगैरह निकाल दिया, अभी ये सारे डालते हैं। और ये सामने वाले से आ रहा है मेरे सारा, तो एक वॉशिंग डालो ना तो गोभी वाले। हाँ, वो भी फटाफट से मंगा दें। रात का टाइम है ना, तो फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर लिया। टमाटर मिर्ची अलग यहाँ काट लिए, ये आलू काट लिए, मटर भी डालेंगे हम इसमें। प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए ना, फिर हम इसमें सामान डालते हैं। और मैं मसाला आपको बताती हूँ कि मैं मसाला कितना कितना इसमें डालती हूँ। अच्छा, मुझे ना ये लाल बिरयानी नहीं बनानी, मतलब स्पाइसी नहीं बनानी, वाइट वाइट थोड़ी रखनी है ना इसको, है ना सना? तो इसलिए ना हम इसमें ना लाल मिर्चें ना कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वैसे मैं 3-4 चम्मच डालती हूँ, या मैं 1 चम्मच डाल दूँ लाल मिर्च का। हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है? ये डालें इसमें हम गरम मसाला का ही ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ना हमें ये वाइट चाहिए ना, वो नहीं चाहिए मेहरूम मेहरूम टाइप, ठीक है? ये थोड़ा बिरयानी मसाला है, मगर मैं नहीं डाल रही, अच्छा नहीं है। अब ये चिकन है गाइस, ये भी डालना है। ये जमा हुआ क्यों है? तो गाइस ये बिरयानी मसाला भी डाल लेते हैं। इसमें आलू बुखारा, आलू बुखारा में लाना भूल गई, तो उसके बदले ना हम कुछ और डालेंगे। और ये यहाँ पे ना बिरयानी है ना, वो चिकन है ना, भून रहा है बिरयानी, भून रही है। तो अब ये भून के ना फिर हम ये डालेंगे इसमें, ठीक है? फिर हम ये डालेंगे और पानी रख के ना इसको भुनाई के लिए रख देंगे। सिंपल सी रेसिपी है। तो अभी मैं बस जल्दी से ये कर लूँ जो जो मैंने आपको बताया, फिर आखिर में। तो गाइस हमारे पास ना नींबू पड़े थे, जो हम आज बाज़ार गए थे ना वहाँ से लाए थे। तो यहाँ पर मलाइका ने नींबू पानी बना के दिया, बड़े मज़े का। तो अभी इसको पीते हैं। और जो यहाँ पर भुनाई वगैरह कर रही है, अभी भुनाई ये सब चीज़ें ना मैंने डाल दिया, अब इसको ना थोड़ा रख दूँगी भुनाई के लिए ना, तो भुनाई हो जाए फिर उसके बाद फिर आपको। तो गाइस ये ना रायता मैंने बना लिया, ठीक है? कर दिया ना, वेरी गुड। बिरयानी ना निकाल लेते, वहाँ पे चावल दिखा दो, चावल भी बस को धो देंगे। असल में ना लाइट जाने से पहले पहले हमें सारा काम करना है। अब हुआ तो यही है, ये हो गया। ये देखें गाइस, तो अभी चावल भी धो के वॉश करके निकाल लेते हैं।
और ये रायता इसमें बड़े मज़े का बनाया मैं बनाती हूँ वाइट वाइट रहता है इसका ग्रीन ग्रीन रायता मैं खाली इसने मिर्ची तेज डाली है ना इसलिए आपको ग्रीन ग्रीन लगे तो गैस मैं आपको कभी नहीं बताऊँगी मैंने सुनाई नहीं और रात मैंने देख लेना गैस अपन देखेंगे चुपके से तो ये खोल ये देख आलू गल गए इसमें तो गैस अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस ना चावल बस अभी दम पे लगाने वाली हूँ मैं देखिए ये मसाला तैयार हो गया अच्छा शिमला मिर्च मैंने लास्ट में डाली है अगर पहले डाल देती ना तो शिमला मिर्च बिल्कुल गल जाती है ना अभी लास्ट में दम के टाइम डाली है ना तो ये खड़ी खड़ी रहेगी इसलिए मैंने अपने हिसाब से चाइनीज़ चावल बनाए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं नेट पर जो थे ना उसमें मेरे पास कुछ मतलब सामान नहीं था तो मैंने कोशिश की खुद से बनाने की और यहाँ पर मैंने सलाद भी काट लिया रायता भी काट लिया मज़ेदार और अभी ये चावल है ना डाल दो बस चावल डाल दूँ गाइस तो अभी ये चावल दम हो जाए फिर ये आपसे मिलते हैं और लाइट भी जाने वाली है उससे पहले पहले दम हो जाए बस ठीक है तो ये हो जाए फिर आपको नेक्स्ट दिखा दूँ चावल मैंने दम पे रखे थे वो हो गए अभी देखते हैं हमारे ये नियर नहीं गाइस हो गए अभी इसको प्लेट में डालते हैं और हम थंबनेल ले लेते हैं गाइस मैंने अपनी बिरयानी डाली और बहुत ही मज़े की बनी है यार जो दोनों बनाया था ना बहुत ही प्यारा बना है और दुआ भी यहाँ पे खा रही है तो अभी ये खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो गाइस हमने बिरयानी वगैरह खा ली और दुआ ने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई थी मैं क्या बताऊँ आपको तो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी ये छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा अगर अच्छे लगते हैं आपको हमारे व्लॉग प्लीज़ प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा खुदा हाफिज़ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।